बस्ती जिले के सोनहा थाना क्षेत्र के आश्रम पद्धति आवासीय विद्यालय जोगिया में पढ़ने वाले कक्षा 8 के छात्र का कमरे में फंदे से लटका शव मिला है। छात्र को फंदे से लटकता देख अफरा तफरी मच गई। डीएम के निर्देश पर पहुंचे एसडीएम और सीओ ने शव को कब्जे में लिया। संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के जगदीशपुर उर्फ लहुरा देवा गांव निवासी कृष्णा त्रिपाठी पुत्र संजय त्रिपाठी आश्रम पद्धति विद्यालय में कक्षा 8 का छात्र था। शनिवार देर शाम विद्यालय में स्थित छात्रावास के कमरे में छत के पंखे में मफलर के सारे फंदे से झूलता हुआ शव मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और एसडीएम भानपुर पहुंची, दरवाजा तुड़वाकर शव को नीचे उतरवाए और कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। विद्यालय के प्रिंसिपल प्रमोद कुमार ने बताया कि मृतक छात्र 2021 से विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा था। वह 8वीं कक्षा का छात्र था। शनिवार सायं 7 बजे के करीब छात्रों के साथ विद्यालय के भोजनालय में भोजन करके आया था। अन्य बच्चे इधर उधर कमरे में चले गए, वह कमरे में अकेला था। उन्होंने बताया कि छात्र कमरा नंबर 10 में रहता था। इसमें कुल 8 बेड हैं। इस कमरे में केवल 5 बच्चे रहते थे। पिछले सोमवार को वह अपने घर से स्कूल लौटा था। मृत बच्चे के साथियों की माने तो शनिवार की शाम वह सभी के साथ खेल रहा था। अचानक अपने कमरे में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। काफी देर तक कमरा न खुलने पर उसके एक चचेरे भाई और साथियों ने दरवाजा खोलने का प्रयास किया, मगर दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद सहपाठियों ने खिड़की से देखा तो कृष्ण का शव कमरे के पंखे से मफलर में बंधा हुआ लटक रहा था। विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रमोद ने जिलाधिकारी बस्ती प्रियंका निरंजन को इसकी सूचना दी। मौत के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। मृत बच्चे के पिता का स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप है। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या कर शव को टांग दिया गया, जिससे इसे सुसाइड का रूप दिया जा सके। वहीं इस मामले पर डीएसपी प्रीति खरवार ने बयान जारी कर बताया कि प्रकरण में उचित कानूनी विधिक कार्यवाही होगी। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। किस क्लास में पढ़ते हैं? 6। कौन से स्कूल में? राजकीय आश्रम पद्धति जोगिया भानपुर। ये कृष्णा की मौत कैसे हुई? फांसी लगाया था सर। किससे लगाया था? मुफलर से। ये तुम्हारे रूम में पढ़ता था? एक ही साथ रहते थे? यस। तो उस समय आप कहाँ थे? उस समय हम भैया के रूम में चल गए थे, बुलाए थे, थोड़ा काम था तो कह रहे चले आते, चल गए थे। तो तुमको जानकारी कैसे हुई? सब लोग चिल्ला रहे थे, तब मैं भी नीचे आके देखा तो सर पल्ला मैंने भी तोड़ा उड़ने की कोशिश की। पल्ला कौन तोड़ा था? तोड़े थे तो दूसरे लोग, लेकिन हम लोग भी कोशिश कर रहे थे तोड़ने के लिए, लेकिन टूटा नहीं था। तो कौन, आपने नहीं तोड़ा? नहीं तोड़ पाया था। मतलब आप लोगों के साथ रहता कुछ बताता नहीं था उनको, क्या परेशानी है? उनको कुछ नहीं बताया, परेशानी अपना नहीं बता सकते। किस क्लास में पढ़ते? कौन सा स्कूल है? ये जो लड़के की मौत हुई है वो आपके कमरे में रहता था, क्या नाम था? कृष्ण त्रिपाठी। तो जिस समय उसने फांसी लगाई आप लोग कहाँ थे? उस बगल वाले में। बगल वाले में गए थे। और सब बच्चे, उसमें कितने बच्चे रहते थे? 5 लोग रहते हैं, एक लड़का बहुत पहले घर गया है और 4 लोग थे। 4 लोग थे तो आप गए, तो और 3 लोग कहाँ थे? और 3-2 लोग थे, एक वो था और वो गया था अपने भैया के साथ और एक उसके चाचा का लड़का उसके साथ वो गया था घूमने गया था, फिर वो आगे चला गया और फिर वो घूम के कह रहा था कि चला आया था पीछे। तो आप लोग किसने देखा उसको? उसको फांसी लगाते उसके बाद किसने पहले, सबसे पहले किसने देखा? सबसे पहले नहीं पता, लेकिन उस लड़के ने जो उसके चाचा का लड़का है वही आकर हम लोगों को बताया था। किससे फांसी लगाया था? वो जगदीशपुर लौरा देवा के निवासी है। मैं अपने बच्चे को भानपुर राजकीय आश्रम पद्धति में पढ़ाता था। बच्चा मेरा शनिवार को आया पढ़ने के लिए, गया घर पे, तबीयत खराब था, तबीयत उनका दवा ववा करवा करके 1 महीने बाद इनको भेजा। शनिवार को आए और 6:30 बजे ये सुबह हमसे बात किए, कल सुबह बात किए, सुबह बात करके मम्मी से, पापा से, दादी दादा सबसे बात किए। बात करने के बाद फोन रख दिए। शाम को डांस वगैरह किए, स्कूल में पार्टी हो रही थी उसमें डांस वगैरह भी किए। डांस वगैरह करके 6:30 बजे जा करके चाय वो पिए, चाय पी करके रूम में गए हैं, रूम में तुरंत बोल रहे फांसी लगा लिए, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। जब वहाँ पे हम गए 6 बजे की घटना है और हमको परिजन को बुलाया जा रहा है 8:30 बजे। ये कहीं का नियम है, वहाँ की पूरा प्रशासन और वहाँ का पूरा जो स्टाफ है सब मिल के कहानी किए हैं, पूरा फुल लापरवाही हुई है। और जब सुबह हम लोग गए, हमको मैं बोला देखिए साहब, जब मैं हमारे जाने के पहले
गेट के बाहर कर दिए। मैं बोला हमको थोड़ा घटना स्थल दिखाइए, तब हमको संतुष्टि होगी कि हमारा बच्चा फांसी लगाया है। लेकिन घटना स्थल तक हमको जाने नहीं दिए। सर बोल रहे हैं हम ड्यूटी पे थे और प्रिंसिपल बोल रहे हैं मास्टर छुट्टी पे थे। कहाँ का मान्य है सर? हाँ सर साजिश है, साजिश है। मिलजुल के बच्चे को मेरा मारा गया है, उसको छुपाया जा रहा है। यस सर नहीं लिखे अभी FIR नहीं लिखा है सर। अभी FIR हम लोग हैं कि 7 बजे और वहाँ के जो टीचर है वो कह रहे हैं 6 बजे और JD सर के पास 6 बजे कॉल गया है। नहीं नहीं हत्या किया गया है। हम लोग वहाँ कुछ बच्चों से मिले हैं अंदर जाके, तो बच्चे पूरा भय से थे। कई बच्चों से भाग रहा है, जाने के बाद भाग रहे हैं। एक दो बच्चों से हम लोग बहुत प्रेम से कहे भाई तुम्हारा भी छोटा भाई था जो मरा है, हो सकता है तुम्हारे साथ भी जैसा घटना घट जाए। तो डरने के बाद धीरे धीरे बोले हैं कि यहाँ विवाद हुआ था, फिर भाग गए हैं सर। नहीं नहीं कोई नहीं बच्चा, कोई बच्चा सुरक्षित नहीं है और विद्यालय भी जो है वो सही नहीं है जी। हम लोग से रात में हम लोग से बात हुआ कि आपको सुबह फोटेज दिया जाएगा। हम लोग कोई फोटेज कोई वीडियो नहीं मिला है अभी तक। तो हम लोग जब अंदर रात में गए हैं तो वहाँ लोग बोले हैं कि हम लोग फावड़ा मार के तोड़े हैं। हम लोग गए तो जो उस फाटक पे कोई स्क्रैच निशानी नहीं था। और CHO और जो थाना अध्यक्ष जी महोदय है वो कह रहे हैं अपने लाल जूता समारे हैं। तो हम लोग वहाँ गए हैं तो जूता समारे हैं या फावड़ा समारे हैं, और वहाँ कोई दीवार पे कोई स्क्रैच नहीं है। ये आज एक किसी छात्र की मौत हुई है, कैसे हुई है सर? वो लड़का अपने कमरे में रहता था और शाम का समय था, आज महाशिवरात्रि का त्यौहार था और बच्चे दूसरे कमरे में जाके पढ़ लिख रहे थे। वो अंदर से चिटकली मार लिया था, चिटकली मार के अपने मफलर से पंखे से अपने आपको लटका लिया था। तो दूसरे बच्चों ने खिड़की से देखा तो तुरंत बताया गार्ड को, गार्ड ने तुरंत सूचित किया। हम लोग पुलिस प्रशासन को बुलाए, पुलिस प्रशासन ने दरवाज़ा तोड़ा, उसको तोड़ने के बाद उसको हम लोग देखते मृत पाया गया। किस क्लास का था वो, किस क्लास में पढ़ता था? आठ का था। कहाँ का रहने वाला था ये? संत कबीर। क्या नाम था उसका? उसका नाम था कृष्णा त्रिपाठी। कक्षा 8 में पढ़ता था। तो इसके परिजनों को सूचना दी गई? और उस क्लास में मतलब कितने बच्चे थे, उस कमरे में कितने बच्चे थे? तो उस समय मौजूद थे पांचों के? नहीं थे, नहीं अंदर से बंद कर लिया था। 10-15 मिनट बाद बच्चों ने देखा है तो उसके बाद तुरंत सूचना दी। अच्छा, उस समय उस कमरे में कोई नहीं था? उस समय नहीं कोई था, सब बच्चे गए थे, कुछ अपना खेल कूद रहे थे और छुट्टी का दिन था, अपना पढ़ रहे थे और शाम का समय। तो उसके परिजन आए थे? हाँ, परिजन वाला भी था। और फिर बॉडी को कहाँ गया? उसके शव को मैं यहाँ पर आ गया था 7:30 बजे, मुझे जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया। जानकारी जो है पोस्टमार्टम कल शाम को ही होना था लेकिन रात में नहीं हुआ। परिजनों की मांग थी, हमारे साथ में जो दो मामा थे वो गए भी थे, हम 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक वहीं रहे, घटना स्थल भी देखे वो लोग और सब चीज़ें देखी। आरोप लग रहा है तो आरोप हत्या का या परिजन आक्रोशित है, हम लोग भी बहुत दुख क्योंकि हमारे संस्था में एक छात्र जो है अगर ऐसे चला जाएगा तो बड़ी दिक्कत होगी। ऐसा कभी होता नहीं है, आप भी इसमें कभी हुआ नहीं। और समाज कल्याण अधिकारी देखिए इस पर, देखिए हम तो सारी चीज़ों को हम लोग निर्देश पहले दे चुके हैं कि प्रिंसिपल वहाँ कैसे रहेंगे, मास्टरों की ड्यूटी लगाई जाए रात में, ऐसे किया जाए, सारा निर्देश है और उसका पालन किया जाता है। कल शिवरात्रि थी है ना, तो उस समय अगर बच्चा खेल रहा तो ये पता नहीं चल पाएगा कि उस बच्चा अगले क्षण क्या करे, ऐसा कोई उसके अंदर सिम्टम नहीं। ये जरूर है कि वो अपने घर से अभी 13 फरवरी को आया जबकि छुट्टी जो है 10 जनवरी को ही ख़त्म हो गई थी, तो उनके माता पिता ही बता पाएंगे कि क्यों बीमार था या क्या बात थी जो कि वो देर से आया था। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद देखा जाएगा सर, जाँच होगी, इसमें अगर कोई दोषी होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मारपीट की बात अभी तक तो नहीं सामने आई, अब बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इस पर कुछ कहना ठीक नहीं है। कल दिनांक 18/2/2023 को थाना सोना अंतर्गत आश्रम पद्धति विद्यालय में एक छात्र द्वारा आत्महत्या कर लेने की सूचना प्राप्त हुई।
सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सोना पुलिस मौके पर पहुंची। वहां संज्ञान हुआ कि कमरा अंदर से बंद है और शव पंखे से लटका हुआ है। प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। पुलिस द्वारा नियमानुसार शव को कब्जे में लेकर पीएम हेतु भेजा गया है। अग्रेतर विधिक कार्रवाई पीएम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी।